नमस्कार, स्वागत है आप सभी का समाचार कैरी हिंदी न्यूज़ यूट्यूब चैनल में। पंजाब में कर्फ्यू के दौरान समाचार कैरी की पत्रकार प्रिया शर्मा ने मोहाली के विधायक से की खास बातचीत। आइए वीडियो के माध्यम से सुनाते हैं क्या कहा मोहाली के कांग्रेसी विधायक ने। हमारे कांग्रेस पार्टी के यहाँ से बुटाने से राजी बैठे हैं, नेता जी है हमारे जो प्रधान से बुटाने है राम कुमार जी। तो हम ये लंगर हमने अब 5-6 दिन हो गए यहाँ पर ये लंगर शुरू किया और सुबह से रात तक चला गया। उतने दिन भी ये चीज़ चलेगी, हम चलेंगे कि हम हमारी ये इच्छा है कि यहाँ एरिया में जो गरीब लोग हैं, आप देख रहे हैं बाहर कितने गरीब लोग आ रहे हैं। कितने दिन भर में एक थोड़ा सा आप बता सकते हैं कितने लोग जो है वो सुबह से शाम तक कितने? मेरा ख्याल रोज का 1000-2000 आदमी यहाँ आ रहा है सुबह से रात तक। और हम बड़ा अच्छा लंगर, तो ये नहीं कि वैसे ही दे रहे हैं, बहुत आप देखिए बड़ा अच्छा लंगर दे रहे हैं क्योंकि हमारे एरिया में माइग्रेंट बहुत है, प्रवासी यहाँ पर लोग बहुत हैं, तो वो प्रवासी जो है उनको तक हम पहुँच करने का, दूसरा भी जिसको भी जरूरत है। सरकार हमारी हर संभव कोशिश कर रही है, हमारे माननीय मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह जी, आपने देखा उन्होंने देखो पंचायतों को कल ऑर्डर किया 50,000 रुपये पंचायत को ऑथराइज कर दिया कि आप अपने लेवल पर अगर किसी को कोई ज़रूरत है खरीदो और दो, म्यूनसिपल कमेटीज को ऑथराइज कर दिया। मतलब मेरा कहना का कि आज मेरे को खुशी है कि हमारे हल्के में कहीं भी कोई दिक्कत नहीं, हर लोग तक जरूरी जो चीज़ें पहुँच रही हैं।